इस फोटो को देखा आप कह नहीं सकते कि ये था पाक का स्टार क्रिकेटर। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड PCB ने स्पॉट फिक्सिंग मामले में फंसे फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान को अगले आदेश तक सस्पेंड कर दिया है। इरफान पर डोमेस्टिक T20 लीग पाकिस्तान सुपर लीग PSL में स्पॉट फिक्सिंग का आरोप लगा है। PCB ने इरफान को सस्पेंड करने के साथ ही उन पर लगे आरोपों का जवाब देने के लिए 14 दिन का वक्त दिया है। कभी साइकिल पर घूमते थे इरफान। एक इंटरव्यू में इरफान ने बताया था कि उनका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। वे पाकिस्तान के एक बेहद छोटे से शहर गग्गू मंडी के रहने वाले हैं। उनके पिता ने मजदूरी करते परिवार को चलाते थे। उनके दादा ने भी यही काम किया था। इरफान के मुताबिक गरीब घर से आने की वजह से उनके घर में बच्चे कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़ काम करना शुरू कर देते हैं। 8 भाई बहनों में है सबसे छोटे इरफान। 6 भाइयों और 2 बहनों के बीच सबसे छोटे हैं। इरफान को भी कम उम्र में पढ़ाई छोड़ काम करना पड़ा। मैट्रिक की पढ़ाई के बाद वे एक PVC प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने लगे थे। वहाँ वे फोरमैन के तौर पर नौकरी कर रहे थे। इस क्रिकेटर के मुताबिक उस वक्त उनके घर में साइकिल भी नहीं थी। कभी चलाने का मौका मिल जाता तो उन्हें बड़ी खुशी होती थी। इरफान का कहना है कि वे क्रिकेट को पहले केवल मस्ती के लिए खेला करते थे, हालांकि बाद में उन्होंने इसे सीरियसली ले लिया। दुनिया के सबसे लंबे क्रिकेटर होने का फायदा इरफान को मिला और वे कुछ ही वक्त में पाकिस्तान के स्टार बॉलर बन गए। यूं बदल गई जिंदगी। इरफान की जिंदगी में बदलाव तब आना शुरू हुआ जब उन्होंने कायल खान रिसर्च लेबोरेटरी नाम की क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन की। इसके बाद साल 2008 में उनका सिलेक्शन नेशनल क्रिकेट अकेडमी में हो गया, जहां उन्हें सीनियर क्रिकेटर से टिप्स मिले। साल 2009 में उन्होंने पहला फर्स्ट क्लास मैच खेला जिसमें उन्हें कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने 9 विकेट ले लिए। इरफान ने अपना वनडे डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ साल 2010 में किया था। T20 डेब्यू भारत के खिलाफ दिसंबर 2012 में किया। टेस्ट डेब्यू के लिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ा। उन्होंने पहला टेस्ट मैच फरवरी 2013 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला।